जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। सफल होने के लिए हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, दूसरों से उम्मीद रख लेते हैं, दूसरों का सम्मान करना भी सीख जाते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं सोचते। दूसरों के बारे में ऐसा सब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यह बात सोचिए कि आपको सफल कौन बनाएगा, कभी सोचा है? बात यह है कि आपको खुद को सफल बनना है, और यदि आप सक्सेस पाना चाहते हो तो दूसरों के अलावा खुद के बारे में अच्छा सोचना और कुछ बेहतर करना होगा। जो व्यक्ति स्वयं से प्यार करना सीख जाता है, वह खुद का सम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट करना भी सीख जाता है। खुद से प्यार करने का मतलब आपको स्वयं के प्रति पॉजिटिव फीलिंग होना। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो खुद के लिए पॉजिटिव अट्रैक्शन हो जाएगा। हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचने लायक तभी बनेंगे जब हम खुद के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कुछ अच्छा करने के साथ साथ कुछ अच्छा सोचने का भी ज़रूरत होती है। जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। हमारे आत्मसम्मान के लिए हमारे सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है। स्वयं की देखभाल कीजिए, समय पर खाना, समय पर उठना, सोना, अच्छे कपड़े पहनना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यह सब करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों पर हर काम के लिए निर्भर मत रहिए, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर करेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट कम होता जाएगा। अगर आपको बार बार आत्मसम्मान के लिए समझौता करना पड़े तो ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है। हमें केवल हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट पर ध्यान देकर दूसरों को ठेस पहुँचाना गलत बात है। सेल्फ रेस्पेक्ट को हम खरीद नहीं सकते या किसी से उधार नहीं ले सकते। हमें खुद के ऊपर क्या रेस्पेक्ट करना होता है जिससे आत्मसम्मान अपने आप आ जाती है। हर कोई हर दिशा में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी करियर चुन सकती है जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं। हमारी हर सकारात्मक सोच हमारी सक्सेस की ओर रास्ता खोज लेती है, इसलिए हम रोज खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोचना चाहिए। गलतियों से मत डरिए, गलतियों से ही इंसान को सफलता मिलता है। हम वो कल्पना कर सकते हैं जिसको आज तक सोचा नहीं गया। हम वो काम कर सकते हैं जिसको आज कभी किया नहीं गया। सहनशीलता मनुष्य की बहुमूल्य गुण है। अगर आत्मसम्मान खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को धोखा देने की तरह है। सभी का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। हमेशा हमें यह बात याद रखना चाहिए कि जीवन में खुद की तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम हम कर सकते हैं वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। ईश्वर का बनाया हुआ हर चीज़ कुछ ना कुछ महत्व होता ही है। इस छोटी सी जिंदगी में हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है, पर उसमें हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम खुद के ऊपर भरोसा करेंगे तब तक हम हार नहीं मान सकते। खुद के ऊपर विश्वास कामयाबी की पहली कदम होती है।